आज पटना के एवं जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में सहकारिता विभाग द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें सहकारिता विभाग के मंत्री ने विभाग के एक वर्ष की मुख्य उपलब्धियों एवं विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी दी। आगे उन्होंने बताया कि समितियों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों, अल्पकालीन ऋण वितरण में सरकारी बैंकों की भूमिका एवं उपलब्धियों के संबंध में पत्रकारों को बताया। उसमें जो अंकेक्षण प्रतिवेदन जो हमें आया है, उसमें अंकेक्षण में सहकारिता के प्रति कोई भी आपत्ति का बिंदु नहीं है। सिर्फ इतना है कि जो सृजन जो है वो एक सहकारी सहयोग समिति है और उस नाते सहकारिता विभाग के जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं उनका ये दायित्व था कि समय समय पर उनका अंकेक्षण करें। वो अंकेक्षण नहीं किया जिसके कारण से ये अनियमितता जो है बड़े लंबे समय तक छुपा रह गया, तो वो लापरवाही है। लेकिन उसमें भ्रष्टाचार या वित्तीय अनियमितता का कोई बिंदु नहीं होने के कारण अंकेक्षण प्रतिवेदन जो आया है हम लोगों के पास में, उसमें सहकारिता का कोई बिंदु नहीं है। लेकिन उसमें एक और समस्या ये हुई है जिसमें कि हम लोग भी एक तरह से विक्टिम भी हैं और परपेट्रेटर के रूप में भी देखे जा गए हैं। वो इस तरह से कि जो वहाँ पर सहकारिता बैंक है, डिस्ट्रिक्ट DCCB जो है, उसका कुछ पैसा जो है वो पंजाब नेशनल बैंक में गया था चेक से, जिसके पीछे में ये एंडोर्समेंट हो गया कि वो सृजन के खाते में चला जाए। अब इसमें दो पक्ष आ रहे हैं जो कि अनुसंधान का विषय है। एक पक्ष का कहना है कि वो एंडोर्समेंट हमने नहीं किया, ये एंडोर्समेंट PNB ने खुद उनके यहाँ जो घपलेबाज थे उन लोगों ने किया। बाधित करता है ये तो धान के अधिप्राप्ति के कार्य हैं हमारे, मुख्य रूप से हम लोग करते हैं और बिहार की मुख्य फसल जो धान है तो उसके अधिप्राप्ति का काम करते हैं। हमारे यहाँ पैक्स हैं, पैक्सों के माध्यम से हम धान की अधिप्राप्ति करते हैं। तीसरा हमारे यहाँ बैंक्स हैं और ये बैंक पैक्सों को मदद करते हैं ऋण देने में, अधिप्राप्ति में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसी चीज भी हमारी बैंक्स देती है। इनके शुद्धिकरण में एक हम लोगों ने महत्वपूर्ण काम, जैसे प्रधान सचिव ने बताया, बिहार राज्य फसल सहायता योजना हम लोगों ने लागू की है बिना प्रीमियम का है। और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा से प्रेरणा लेकर, जैसा कि उसमें हम लोगों ने किसान के फसलों के कवरेज को बढ़ाया था और इसमें एक बात ये आई कि किसानों के ऊपर कोई बोझ न पड़े, प्रीमियम का भी बोझ न पड़े। और कभी ऐसी चीज़ें आ जाती थी कि जब कोई अचानक विपदा आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, पत्थर पड़ जाए, कोई साइक्लोनिक इफेक्ट हो जाए, किसी खास इलाके में फसलों में भारी क्षति हो जाए, तो सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं थी जिससे किसानों को हम तुरंत राहत पहुँचा सकें। उस रूप में बिहार राज्य फसल सहायता योजना, जिसमें इसकी एक और खास बात यह है कि हम लोगों ने तो ये रखा है 2 हेक्टेयर भूमि तक, 5 एकड़ तक के लिए अगर 20% से ज़्यादा क्षति है तो पर हेक्टेयर के हिसाब से 10,000 रुपया देंगे, लेकिन अगर 1% की भी क्षति है तो भी किसान भाइयों को 15,000 रुपये की सहायता मिलेगी। ये एक विशेष रूप से मैं इसको इस रूप में महत्वपूर्ण मानता हूँ कि 1% की भी क्षति है तो सरकार किसानों की मदद के लिए खड़ी। सहकारिता विभाग का एक महत्वपूर्ण निर्णय रहा है और किसान भाइयों की इसमें रुचि भी दिखी है, उनका रजिस्ट्रेशन भी लगातार हो रहा। ये कंप्यूटराइजेशन वाली बात आपने कहीं पर, बेटा कृषि विभाग देता है, हम लोग तो अधिप्राप्ति का काम करते हैं, कितनी अधिप्राप्ति हम करते हैं वो डेटा आपको। ये अभी फसल सहायता में कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है आपके छोटे किसान में? ये 9,500 करीब हम लोग बैठे हैं तो 10,000 के आसपास पहुंच जाएगा आज ये डेटा, इतने किसानों का हुआ है। लेकिन तिथि हम लोगों ने 31 जुलाई का रखा है, उसको संभावना है कि हम किसानों के हित में इसको बढ़ाने का भी काम करें। कब तक बढ़ाने की उम्मीद है? नहीं, वो जैसे हम लोगों की अनुमान जो है कि पिछले 3 वर्षों में 12 लाख किसानों का फसल बीमा में रजिस्ट्रेशन होता रहा। डेट बढ़ाएंगे क्या? ये हम लोगों ने विचार बनाया है, चूँकि अभी 10,000 रजिस्ट्रेशन हमारा है, 9,500 जब आपसे बात कर रहे हैं तो थोड़ा बढ़ जाए आज, तो इसको आगे हम लोगों ने इसको महसूस किया, इसको बढ़ाएंगे। नेशन 24 के लिए पटना से सदफनास के साथ प्रीति सिंह की रिपोर्ट।